साढ़े कोल एक डब्बा भी नहीं सी, असी पानी पिया। फिर डब्बा ही कि मिलिया, उसी च असी पानी पींदा रहा। मैं अमनदीप सिंह लवली अजीत वैब नाभा तो, अज असी दर्द संताली दा संबंधी गलबात करांगे माता सतनाम कौर जी नाल, जिन्हां दी उम्र तकरीबन सन 47 समय 21 साल दे करीब सी। माता जी दा जो जन्म है वो सन 1926 दा। माता जी बुजुर्ग ने 93 साल दे करीब उन्हां दी उम्र है, पर सारी याददाश्त होने के बावजूद उम्र वड्डी वडेरी होने कारण सुनना जिहड़ा उन्हां नूं घट गया। असी माता सतनाम जी नाल गलबात करांगे। इन्हां माता जी ने अपने पिंडे ते जिथे 47 हंडाई है उत्थे 84 का दर्द भी देखिया। माता सतनाम कौर जी जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी उच्ची सुनदे ने, गलबात करन दी कोशिश करांगे भी 47 विच की वापरिया, की उन्हां ने देखिया, किवें उन्हां दा परिवार पाकिस्तान तों भारत दे विच और शहर नाभा दे विच आके वसिया। असी माता सतनाम जी उन्हां नाल गलबात करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुल्म कीता मुसलमाना साड्या नाल, एक मेरे नाल नहीं सारे शहर नाल कीता ने जुल्म, सारे साडे मकाना दा साड्या दुकाना दा समान लुटिया, ला लै के घर जगिए। साडे नाल जो असी 3 दिन एक लोहे दा गुरद्वारा सी बनिया वा, उत्थे असी सारा शहर रहे हैं भुखे पाने 3 दिन, पानी तू फिर असे बैठे रहे बारीक खुशी, उसी च कोई पानी नहीं सा पींदा, पानी भैड़ा सी, भैड़ा गंदा सी। असी 3 दिन भुखे पाने रहे हैं। 3 दिन बाद मिलट्री आई, मिलट्री सारेनू अंदरों कढ़िया, बंगला सी कोई, उत्थे असी रहे हैं। साढ़े कोल एक डब्बा भी नहीं सी, असी पानी पिया। फिर डब्बा ही कि मिलिया, उसी च असी पानी पींदा रहा। फिर हस्ता हूँ मैनू याद नहीं, इधर आए हैं दुकान ते, एक लोहे की दुकान सी, एक करियाने की दुकान सी, एक चूना सीमेंट की दुकान सी, साढ़े पे मेरे पेके आंदी। उन्हां नूं पता लगा, उन्हां सानू बुलाया, उन्हां सानू थां दित्ती, असी रहे हां। फिर रोटी पानी लब्भी, मिल खान लगे हां। शुक्र कीता गुरु महाराज दा, वे शुक्र आ तेरा। हुण गुरु महाराज साडे ते किरपा कीती, हुण सब की जाए साडे कोल। लाहौर गड्डी ठहरी, गड्डी विच आया, लाहौर गड्डी ठहरी, उत्थे सानू फिक्र लगा भाई इत्थे सानू वड्ढन कढ़नगे मुसलमान, इतना जुल्म सी। लाहौर तू मसे अंदरों निकले आ, गड्डी विच आए आ। रोटी किवें खांदे रहे हो? रोटी हाँ, गड्डी विच लोक रोटियां भेजियां, उस जी खादियां। लोकां नूं पता लगा भाई पाकिस्तान जुल्म होया, इधर जड़े सिख सी उन्हां रोटियां भेजियां खादियां, तां जरा पता लगा। 3 दिन भुखे रहे हैं, उस तो बाद रोटी मिली। उन्हां बहुत फिक्र कीता। मेरे प्यो दियां 3 दुकानां सी, एक करियाने दी, एक लोहे दी,
एक चूने सी मट दी, तीन दुकाना सिया, ये याद या मैनू काम बहुत चंगा से अपने घर राज करते सा। मकान बहुत वड्डा सी तीन दुकाना सिया साडिया मेरे माँ प्यो दियां एक लोहे की दुकान सी, एक करियाने दी सी, एक चूने सिमट सिमट सी, चूने सिमट दी कराने कोल सी जड़ा गा कांदा सी। मेरी माँ आदमियों वाला काम करती सी, ओ तोल तोल के देती सी सानू कोई फिक्र नहीं सी। ए मुसलमाना जुलम कीता सारे, एक साढ़े नाल नहीं सारे शहर नाल, सारा शहर। एक गुरुद्वारा लोए दा सी उत्थे असी रहे हैं तीन दिन, सारा शहर रहा, एक असी नहीं सारा शहर रहा उत्थे भुखा पाना। मिलिट्री आई फिर कट के लै के गई सानू कट्टन वड्डन गए सारियां नू। फिर मिलिट्री आई ते लै के गई है जिथे जिथे साडे रिश्तेदार उन्हां दे घर रहे हैं, कुल क्षेत्र भी रहे हैं, और पता नहीं केड़े शहर रहे हैं। पैसे पैसे क्षेत्र कोई नहीं, जड़ा सोना साडे माँ प्यो ने दबिया होया सी ओ मिलिट्री नाल लै के कट के लै आए, सारे सारे इसे लै के आए सोना जिथे दबिया होया सी। हुण लोकी बंकां च रखदे ने उत्थे एरवा सी वे दबो सोना सोना लै के आए ने साडे माँ प्यो। लोग भेजे ने जिस शहर विच नहीं जुलम होया उन्हां नू पता लगा, कपड़े भेजे उन्हां सोने सोने कपड़े पान नू, रोटियां सब की भेजने रहे असी खाने रहे हैं, कपड़े भी सानू दिते ने पान नू। आस्ता आस्ता सारा कुछ हो गया साडे कोल। इधर आके फिर साडे माँ प्यो भरा फिर दुकाना पाइया इधर आके, कोई काटा नहीं रहा, सब कुछ खांदे पींदे रहे हैं। मेरे भरा पंज सी, तीन भैणा सियां सी, पंज भरा सी तीन भैणा सियां। फिर कोई घाटा नहीं तकिया, लोकां बहुत मदद कीती, उन्हां नू पता लगा कपड़े टेराने टेर उन्हां भेजे वाइफ ने। दुकान का ही कम करन गिजे हुए सी इन्ना मेरे भरा वड्डा भरा साडा मिस्त्री च नौकर सी, ओ मिस्त्री सी रहिंदा सी छोटे उधर पाकिस्तान च। मेरी उम्र 20 साल सी, मैं कुंवारी सा, मैं छोटी सा। मेरे भरा दुकाना उधर तीन दुकाना सिया साडिया, चूने सिमट दा जेड़ा गाहक आंदा सी देंदी सी। मेरा प्यो मेरे भरा एक लोहे की दुकान दी दुकान सी, असी उधर बहुत सुखी सा, सारा शहर सुखी सी। सानू कढ़िया अगां लाइया साडिया, समान लुट के लै गए मकाना नू, अक्खां लाइया गुरुद्वारियां दी बेदबी कीती बहुत। 8 गुरुद्वारे सी पाकिस्तान भी, 8 गुरुद्वारे सी
ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਟੁਰ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਂ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਨਾ ਸਕਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਮਾਤਾ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ, ਨਾਭਾ।